आमिर खान की फिल्म दंगल इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाए हुए है। फिल्म ने रिलीज के पहले 3 दिनों में ही 106 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। फिल्म ने क्रिसमस के दिन 42 करोड़ 35 लाख की कमाई की। फिल्म निर्माताओं के अनुसार भारत में इसने एक दिन के रिकॉर्ड के मामले में कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म की रिकॉर्ड कमाई से फिल्म से जुड़े सभी सदस्य काफी खुश हैं, लेकिन फिल्म से ही जुड़े एक ऐसे शख्स हैं जो फिल्म को लेकर बेहद नाराज हैं। जी हां, बात कर रहे हैं रेसलर गीता फोगाट के रियल लाइफ कोच पीआर सोंधी की। उनका आरोप है कि फिल्म में उनकी छवि को नकारात्मक रूप से दिखाया गया है। कोच सोंधी इतने नाराज हैं कि वो कानूनी कार्रवाई तक की बात कह रहे हैं। दरअसल दंगल फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है, गीता फोगाट जब फाइनल खेलने जा रही होती है तो उनके कोच साजिश रचकर उनके पिता महावीर फोगाट को एक अंधेरे कमरे में बंद करवा देते हैं, क्योंकि गीता के कोच नहीं चाहते कि गीता की सफलता का श्रेय उनके पिता को मिले। अंधेरे कमरे में बंद महावीर अपनी बेटी का फाइनल मुकाबला नहीं देख पाते। वहीं सोंधी का कहना है कि फिल्म को रोचक बनाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग के बाद वीकेंड पर भी अपनी कमाई जारी रखी है, लेकिन गीता फोगाट के कोच काफ़ी नाराज हैं और फिल्म में दिखाए गए कोच के किरदार को लेकर क्या एक्शन लेते हैं ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।